अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये खाए जा रहे हैं किन्नू और धूप में बैठ के किन्नू खाना किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा अच्छा ये उस दिन का व्लॉग है मंडे का व्लॉग है बेसिकली जब पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ हुआ था बहुत घंटों की लाइट गई हुई थी तो उस दिन का व्लॉग है और ये दोपहर का टाइम है तो ना हमने क्या किया था अच्छा जिस दिन ना लाइट गई हुई थी ना तो पूरा दिन हमारे यहाँ गैस आ रही थी कैन यू इमेजिन पूरा दिन वो फुल आँच आ रही थी हमें इतनी खुशी हो रही थी कि यार तो लाइट तो सारे है? हमने काम कर लिया हाँ। मतलब हम लोगों ने क्या कहते हैं काफी सारे हम लोगों ने काम कर लिए थे मतलब गैस से रिलेटेड जितने काम थे मतलब चने उबाल के रख दिए थे और जैसे अम्मी को गोश्त बनाना था वो बना लिया था अम्मी ने अम्मी ने सब्जी बना ली थी मतलब, मतलब गोश्त गला लिया था सब्जी बना ली थी, थी मतलब एडवांस में भी काम कर लिए थे और सब लोग नहा भी लिए थे क्योंकि गैस आ रही थी नॉर्मली होता है दो तीन घंटे के लिए गैस आती है तो कोई एक या दो ही बंदे ही नहा पाते हैं उतने टाइम में ना क्योंकि भाई हम इतने बड़े टार्जर नहीं है कि ठंडे पानी से नहाए ना तो ये जो आप देख रहे हैं ना तो अपी में नहा के बैठे बैठे हुए थे और धूप ना बहुत ज़बरदस्त अच्छी वाली ना निकली हुई थी तो जितने एरिए में बस धूप आ रही थी ना वहाँ पे हम बैठ गए थे और किन्नु निकाल के बैठ गए थे इतना तो कोई अच्छा लग रहा था मतलब धूप में सेक भी ले रहे थे और किन्नु भी इंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था खैर अब इसके बाद जो आपको क्लिप देखने को मिलेगी इसी दिन के रात की क्लिप देखने को मिलेगी क्योंकि हमारी ना मोबाइल की बैटरीज पूरी ख़त्म हो चुकी थी मोबाइल डेड हो गए थे और हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सके करना तो बहुत कुछ रिकॉर्ड था लेकिन कर ही नहीं सके क्योंकि लाइट गई हुई थी और जब ये रात में लाइट आई है तब मैंने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी अच्छा जब लाइट गई हुई थी तो ना हम शाम में चले गए थे अम्मी को जाना था एम ए ट्रेडर्स जो कि गुल प्लाज़ा की बैक साइड पर गाजियाना सेंटर है ना जहाँ से हमने कुछ दिन पहले भी हमने अपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉपिंग की थी ना तो वहीं अम्मी को जाना था और अम्मी को ना एक दो चीज़ें लेनी थी जैसे कि हमें लेनी थी इलेक्ट्रिक कैटल क्योंकि आजकल हमें जिस तरह परेशानी हो रही है ना पानी गर्म करना है चाय बनानी है बहुत सारी ना परेशानी हो ही रही है आजकल जैसे आप लोग आगे समूद होना होता है अगर आपकी जल्दी आँख खुल गई है तो फिर गैस नहीं आ रही होती है पानी गर्म करना होता है बेसिकली तो इस वजह से हम लोगों को ये कैटल लेनी थी वो ले ली थी हमने इसके अलावा यार हमें नाश्ते में बड़ी परेशानी हो रही थी तो मतलब हमें टोस्टर लेना था अच्छा पहले इसके प्राइस बता हाँ। देती हूँ वो इसके प्राइस हैं ये लिया था पिया ने हम लोगों ने ढाई हज़ार का हाँ ये ढाई का है और ये पंद्रह वोल्ट का है, है ना अपिया हाँ हाँ तो और इसमें ना ढाई लीटर पानी आता है तो बड़े साइज का हमने लिया है तो अच्छा खास है इसमें पानी आके ना और गर्म हो जाता है तो अभी हम आपको दिखा भी देंगे किस तरह से काम बहुत करता जल्दी है। हो जाता है मतलब आप गैस पे पानी रखेंगे ना गर्म करने उसमें बहुत टाइम लगता है इसके अंदर दो से तीन मिनट के अंदर बहुत अच्छे से पानी गर्म हो जाता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसके अलावा हमने लिया था ह्यूमडी फायर जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं रूम फ्रेशनर बेसिकली क्या है इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें एसेंशियल ऑयल के थोड़े से ड्रॉप ऐड करेंगे और इसको लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी पे डायरेक्ट मतलब लग जाता है और इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है इसमें ना सेल वगैरह नहीं लगते तो ये बहुत अच्छी इसमें ना फ्रेग्रेंस आने लग जाती है बेसिकली यूज़ यूज भी किया था हाँ। और काफ़ी अच्छा है मतलब रूम में अच्छी मतलब खुशबू आ जाती है अच्छा हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स वगैरह थे नहीं एक दो थे तो हमारे पास कौन सा था आई थिंक रोज मैरी का था मेरे पास रखा हुआ तो मैंने उसी को यूज़ किया था तो उसकी बहुत माइड सी खुशबू है लेकिन काफी अच्छी मजेदार है पूरे रूम में ना एक अच्छी सी फ्रेग्रेंसी आ जाती है और इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ ये हजार रुपए का था तो ये ले लिया था इसके अलावा हमने लिया है ये वैक्यूम क्लीनर लिया है जो कि मिनी वैक्यूम क्लीनर है और ये किससे चार्ज चार्जेबल है ना ये भी चार्जेबल है और ये लिया था हमने कुछ तेरह सौ रुपये का अच्छा लेने हम सिर्फ दो चीजें गए थे बाकी दो चीजें हम लोगों ने ली थी एक्स्ट्रा और हाँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें ली थी अच्छा ये मुझे दिख गया था और ये मैंने लिया है कार के लिए कार के अंदर अक्सर ऐसा होता है अक्सर नहीं होता ही है ऐसा कि इतनी मिट्टी विट्टी आई हुई होती है कार के अंदर तो अंदर से साफ़ करने के लिए ये काफ़ी आइडियल है और एक बार इसको आप चार्ज कर लें एक डेढ़ घंटा आप इसको, इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा आपको थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा क्योंकि इसको हमने शॉप के ऊपर क्या कहते हैं उनसे बोला था इसको यूज़ करके दिखाएँ हमें कि ये कैसा है तो फिर उन्होंने यूज करके दिखाया था तो उसमें मिट्टी वगैरह आ गई थी hmm. तो इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रहा है हाँ, अब ये ना थोड़ा सा गलत बोल दिया एक डेढ़ घंटा चार्ज करना पड़ेगा उसके बाद आप आराम से कार को साफ कर सकते मतलब एक डेढ़ घंटा यूज कर सकते है एक डेढ़ घंटा चार्ज करने के बाद हाँ, अच्छा अच्छा सही ये बोला, बोला था कोई बात नहीं चलिए हो जाता है तो ये अपियर ना आपको ऑन करके दिखाई थी इसमें हल्की सी लाइट आती है और उसके बाद ना मतलब कार में जितना कचरा तो हल्का होता है ना? सी आप मिट्टी के आ हाँ। फिर आपका जो पीसी वगैरह है उसको भी आप साफ कर सकते हैं छोटी हाँ। मोटी जो मशीनरीज वगैरह होती है ना या आप अपने कैबिनेट से, से बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंच रहा होता वहां। तो आप वहाँ पे इसको आराम से यूज कर सकते हैं जैसे की मिट्टी है या मसाले वगैरह गिर जाते हैं बाजू का तो उससे आप इजिली उठा सकते हैं तो मुझे छोटा सा बड़ा अच्छा लगा था ये इस वजह से ले लिया था और एक और चीज मैं बता दू इसको फिर बहुत सारे सवाल आते हैं कि ना मारिय जो ये ये बता दें सोफे पे इस्तेमाल हो सकता है तो ये हार्ड वाला नहीं है मतलब इसमें इतनी पावर नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कोई सा करे मिट्टी को तो ये खाली हल्की फुल्की सी डस्ट को हटाने के लिए है बहुत लेकिन पावर भी का। अच्छा है मैं आपको यूज करके दिखा दूंगी क्योंकि हम लोगों ने इसको यूज़ किया है और उसके अलावा भाई हमारा सबसे जो अम्मी ख़ास तौर पर गई थी लेने के लिए वो था टोस्टर क्योंकि आप आप सबको पता ही है हम ना स्लाइसिस को टोस्ट करके खाते हैं हमें गर्म नाश्ता ही खाना पसंद है तो ना आजकल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है हमें तो हम बड़े मिस कर रहे हैं यार क्योंकि ना सुबह ये बड़ी परेशानी हो रही होती है और अगर गैस आ भी रही है ना तब भी जल्दी जल्दी से काम हो रहे होते हैं पानी भी गर्म हो रहा है ये भी हो रहा है तो ना अम्मी को था कि ना मैं ना ये टोस्टर लेकर आ जाती हूँ ताकि ना जरा आसानी हो जाए और हमें हम सबको ही पसंद है स्लाइस को ना सबको पसंद है और गर्म गर्म नाश्ता किसको नहीं पसंद होता इतनी सर्दी में तो खैर हम लोगों ने टोस्टर ले लिया था और ये काफ़ी आइडियल है और ये है सिल्वर क्रस्ट का और ये हम लोगों ने लिया था थर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ का और ये काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी का है और इसकी ना बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त है मतलब ना देखने में आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये टोस्टर है और ये सिल्वर क्रेस वही है जिसका हम ना एयर फ्रायर अपना यूज़ करते हैं ना और दो साल से वो यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इस कंपनी में थोड़ा सा हमारा अहतमान बन गया है और हाँ बाकी में काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया था तो ये दोनों चीज़ें हमारी लिस्ट में ऐड थी तो अम्मी ने कहा था भई मुझे तो टोस्टर चाहिए चाहिए मैंने कहा अम्मी प्लीज़ इलेक्ट्रिक कैटल लेने दें क्योंकि उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी और जब हमने ले ली ना अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको दो तीन दिन से तो हमें बहुत आसानी है मतलब कभी यार वज़ू करना होता है और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है अच्छा जोया आपको ये टाइम दिखा रही है ये है शहरी का टाइम और, और जब ये पहली तारीख लग गई थी तो हम लोगों ने सोचा था हम लोग स्टार्टिंग में ना रोज़े रख लेंगे जितने हम रख सकते हैं ना तो फिर हम लोग सुबह में उठ गए थे चार बजे उठ गए थे और उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपनी चाय चढ़ाई और उसके बाद क्योंकि हमारी गैस आ नहीं रही थी चार बजे के करीब नहीं आ रही होती है सात बजे के बाद आती है गैस ना तो फिर ना सबसे पहले चाय चढ़ाने के बाद इलेक्ट्रिक इस पर कैटल पर हमने पानी रखा ताकि ना वज़ू के लिए ना जल्दी से पानी गर्म हो जाए मूंद धोना था वज़ू भी करना था तो ना फटाफट इसमें हो गया तो इसमें मेरे ख्याल से दो से तीन मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाता है जबकि आप स्टोव पर रखे ना मतलब चूल्हे पर रखे ना तो काफ़ी देर में गर्म होता है खैर ये हो गया था ये हमने यूज़ किया बड़ी खुशी हो रही थी कि यार मतलब एक दिन पहले हम ये लेकर आए हैं और दूसरे दिन मतलब हमें दूसर, दूसरे दिन ही एक तरह से ना सहरी करनी थी और हमें इतनी आसानी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आसानी हो गई और साथ साथ आपको ना स्टो टोस्टर भी यूज़ करके दिखा देते हैं तो ना हमें नाश्ता करना था नाश्ता नहीं सॉरी सैरी करनी थी सहरी तो, तो सैरी में अंडे और ब्रेड ही खाई थी और क्योंकि सब्जी बनी हुई थी सब्जी नहीं खानी थी सैरी में इस वजह से हम लोगों ने ना ब्रेड और अंडा ले लिया था तो यहाँ पर बस वो इसको टोस्ट कर रही है और अच्छा हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे जो

हम लोग उसको चेक कर रहे थे कि वन पे कितना तेज हो रहा है टू पे कितना हो रहा है थ्री पे कितना हो रहा है हम लोगों ने इसको थ्री पे सेट कर दिया क्योंकि हमें जरा अच्छे सुनहरे कलर के टोस्ट पसंद है और ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो कड़क हुए हुए हों लेकिन ऊपर से जो उसकी लेयर है ना वो हल्की सी कड़क होनी चाहिए सेंटर उसका सॉफ्ट होना चाहिए ऐसे हम लोगों को टोस्ट पसंद है अच्छा हम सब लोग एक ही तरह के खाना पसंद करते हैं तो उसको हमने सेट कर दिया उसी के ऊपर ना उसी पर सेट कर दिया और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गैस अभी भी नहीं आई थी मतलब हमारा आधा काम हो चुका था तो ना अंडे जल्दी से इस पर फ्राई कर लिए थे हमने इलेक्ट्रिक स्टोव पर मतलब पूरा हमने इलेक्ट्रिक पे ही सारा का सारा अपनी सैरी का इंतज़ाम किया था तो अंडे फ्राई करने रख दिए थे और ये मैं प्रेस करके दिखा रही थी कि ना अगर आपको लगी कि बीच में ना कलर आपका मतलब का डार्क होने लगा है तो उसको ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं और बाकी आपने लगा देना है और वो खुद ना ख़ुद ब खुद वो हो जाएगी बाज़ अच्छा। ऐसा होता है ना कि अगर आपने फ्रिज में रखी हुई ये ब्रेड ना और आपको सिर्फ जस्ट गर्म करनी है तो आप तब भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हल्का सा आपने गर्म कर लिया और ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता अच्छा अक्सर लोग ना जब मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखाती हूँ ना तो लोग कहते हैं अब आप ये यूज़ करेंगी तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा तो यार अगर आप इसको तरीके से इस्तेमाल करें जैसे कि हमारी कैटल है मुश्किल से दो से तीन मिनट के अंदर उसमें पानी अच्छा से गर्म हो जाता है और ज़रूरी नहीं आप उसको लगा के भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है बिल तो ज़्यादा ही आएगा लेकिन अगर आप किसी भी चीज को तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बिल नहीं आएगा इतना ज्यादा मतलब जरा हर चीज को तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा जी नाश्ता नाश्ता कह रही सॉरी हमारी सैरी कंप्लीट हो गई थी तकरीबन तकरीबन मतलब हमने अंडा खा लिया था टोस्ट खा लिया था और फिर उसके बाद ना अपिया के पास रखा हुआ था न्यूटाला अपिया रेसिपी वगैरह में यूज कर चुकी थी और आखिर का रह गया था तो अपी ने बोला चलो निकाल देती हूँ इसको मैं ना मैं मेरे कैबिनेट में रखा हुआ था और मतलब मैं अपनी जहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह रखती हूँ तो उसको फिर कोई हाथ नहीं लगा

मिल्क की बात कर रही है जो तो अब वो अगर कंडेंस मिल्क हाँ। होता है या कोमैल कहते हैं उसको तो वो ज़रूर आप लोग बताएगा आप लोगों ने कभी ट्राई किया है कि नहीं किया अच्छा जी सैरी हमारी हो चुकी थी उसके बाद हम नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो गए थे और ये है जोहर की बात का टाइम तो इस टाइम पे ना हमारी मेड आ जाती है तो ना मैंने बोला मैं थोड़ा ना वो कर लेती हूँ मुझे ना प्लांट्स को पानी देना था और चीज़ें समेटनी थी चीज़ें समेटनी थी तो ना फटाफट से मैंने ना चीज़ें समेटना स्टार्ट करी और प्लांट्स को पानी दिया और ये वाला जो आप फ्लार वाला देख रहे हैं ना ये इसी तरह का मतलब जितने इसमें फ्लावर आए थे ना स्टार्टिंग में ही तो उतनी है और उसके बाद वो आए नहीं नए वाले वो ना नीचे से निकलना पत्ते बनना स्टार्ट हाँ। हो रहे हैं नए वाले और जो ये ऊपर वाले जो उसके फूल वगैरह है वो पत्ते हैं ना वो जरा सूख सूख के झड़ है जब नया निकलेंगे तो जाहिर सी बात है फूल भी आएंगे अच्छा और क्या कहते हैं हरा धनिया वगैरह का पूछा था किसी ने कि आपने लगाया था तो उसका क्या हुआ तो यार हमारी जो बेल्कनी है ना इसके अंदर आती है बिल्ली मैं दो बार लगा चुकी हूँ दो बार हल्का हल्का सा ग्रो हुआ था वो और उसने सारा आके नोच दिया था मतलब सारा उसने खाली कर दिया था अब फिर मैंने ति, तिबारा लगाया मतलब तिसरा के लगाया है इसमें हल्के हल्के से पत्ते आने स्टार्ट हो गए हैं अब देखते हैं बिल्ली को अगर रहम आ गया तो वो छोड़ देगी नहीं आया तो वो इसको भी निकाल के फेंक दे बता वो क्योंकि वो छोटे छोटे वाले हैं ना गमले तो वो ना क्या करती है बिल्ली उसको खोद के चली जाती है पता नहीं क्या मुसीबत है मिट्टी सारी फैली भी होती है तो वो सारे ना ये जो छोटे वाले गमले हैं ना वो इसी तरह से करती है तो खैर दोबारा भी लगा दिया था तो थोड़े थोड़े से तो पत्ते आ गए हैं उसके अब देखिए उसमें रहता है कि नहीं रहता अब अब पता चलेगा कि बिजली बिजा रही छोड़ दे इसको भिली छोड़ बिल्ली को रहे है हाँ। यार इतनी मेरा धनिया उगने दे हमारा हाँ। हमारा हरा धनिया उगने दे घर की खेती आने दे पता नहीं क्या होता है बिल्ली को खोद के चली जाती है सारे के सारे गमले ना तो खैर वो मैंने दिखा दिया है अच्छा पानी वगैरह दे दिया था और ये है पाँच बजे का टाइम क्योंकि फिर बस एक घंटा रह गया था इफ्तार होने में तो फिर ना फटाफट से ना इफ्तारी की तैयारी करनी थी अच्छा चने जैसे कि आप लोग को बताया एक दिन पहले ही उबाल के रख दिए थे हमें पता था कि हमें रोज़ा तो लाजमी रखना है गैस हो या ना हो जो भी इशू हो लेकिन हमने रोज़ा रखना था क्योंकि रजब की पहली तारीख़ थी अच्छा जी तो ना इसको ये फ्रिज में रखे हुए थे चने तो मैंने बोला थोड़ा सा हल्का हल्का सा ना इसको गर्म कर लेती हूँ और इस टाइम पे भी बिल्कुल गैस नहीं थी तो ना मैंने फटाफट से इलेक्ट्रिक स्टोव पे चने को गर्म कर लिया था और बस चना चाट बनानी थी और बनाने थे दही बड़े बनाने थे पकौड़े बनाने थे और क्या बनाना था भैया चाट बननी थी वो फ्रूट चाट चाट बननी थी ये बननी थी तो जब पहला रोजा होता है ना तो ना होती है जरा हमारे होती है कि जरा सही तरीके से तैयारी हो जाती है हाँ। पूरा रमजान वाला माहौल था घर के अंदर ना और जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि सर्दियों में आपको पता है ना दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता अच्छा हमारे यहाँ ना ऐसा लगता है सारा दिन ना सिर्फ गैस ऑन कर करके देख रहे होते हैं गैस आई कि नहीं आई गैस आई कि नहीं आई और ना जोया इलेक्ट्रिक स्टोव पे काम कर रही थी तो मैंने ना तेल गर्म करने के लिए रखा इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर कि मैं जल्दी जल्दी से ना बड़ों के लिए ना पकौड़िया फ्रा, फ्राई कर लू ना जल्दी से ना लेकिन इतने में चेक करा तो गैस आ गई थी थी अब इस बार क्या हुआ मेरी जो थी, आप देखें ज़रा <laughs> इतनी टेढ़ी मेढ़ी हैं क्योंकि ना इतना ठंडा तेल था दो बार मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ा और पहले इलेक्ट्रिक स्टोव पे गर्म कर रही थी फिर मैंने इसको गैस पे रख दिया क्योंकि हल्की हल्की सी आँच आने लगी थी और ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनी क्योंकि ठंडे तेल में डालती थी ये मैंने ना तो सारी पकौड़िया बनी कुछ शकल ऐसी थी लेकिन इनका जायका बहुत अच्छा था मतलब इनकी सीरत बहुत अच्छी थी शक्ल पी नहीं जाए इसकी सीरत बहुत अच्छी थी हाँ, जो कि हमें पता है काफ़ी अच्छी थी अच्छा ये बड़े बड़े जो बने थे ना काफ़ी सॉफ्ट वाले बन के तैयार हुए थे अच्छा चने में बता देती हूँ उसमें क्या किया था जो नॉर्मली चने बनते हैं वैसे ही बनाए थे चना चाट तो उसके लिए टमाटर कट कर लिया था उसमें थोड़ी सी प्याज ऐड की है हरी मिर्च मिर्चें ऐड की हैं इसके अलावा मैंने नमक ऐड कर दिया था चाट मसाला दो तरह का ऐड किया है एक है शान वाला चाट मसाला इसके अलावा ऐड करूंगी दही बड़ों का मसाला दही बड़ों का मसाला हमारे घर में हमेशा पूरे साल पिसा हुआ रखा होता है क्योंकि अब वो ना दही बड़े काफ़ी शौक मतलब से खाते ये होम मेड होता है इसलिए पिसावा रखा होता हाँ। है और हमारे यहाँ पूरे सारे दही बड़े वगैरह चलते रहते हैं मतलब सर्दी हो या गर्मी हो तो दही बड़े हमारे यहाँ शौक़ से खाए जाते हैं तो बस इसमें ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया था और बस आधा ही लेमन ऐड किया था क्योंकि ज़ाहिर सर्दिया है सर्दियाँ हैं थोड़ा गले का भी ख्याल करना होता है इमली ऐड नहीं की थी वरना वाकई में वो गले आ जाते हैं और थोड़ा ना फिर ख्याल रखना पड़ता है कि गला ना आ जाए फिर

जब लेमन जाता है ना मतलब चाट मसाला वगैरह सब चीज़ें ना तो फिर उसकी एक अलग सी खुशबू होती है जो कि बड़ी मज़ेदार सी होती है सही का सबके मुँह में पानी आ गया होगा चलिए कोई बात नहीं आप लोग भी बना के खा लीजिएगा <laughs> अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगी रजब का पहला रोजा किस -किस, किस किस ने रखा कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि बड़ी फजीलत है इस रोजे की बहुत ही ज्यादा स्वाब भी मिलता है और फजीलत भी है तो किस किस ने रखा कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा जी उसके बाद जब चना चाट रेडी हो गई थी और अब यह की पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ नहीं दही बड़े के बड़े जब रेडी हो गए थे ना तो फिर मैंने बोला जल्दी से मैं ना अपिया को सब्ज़ी थोड़ी सी कट करके दे देती हूँ क्योंकि अपिया को पकोड़े बनाने थे और खाली उसमें पालक ऐड करना था थोड़ी सी प्याज ऐड करनी थी अपिया ने कहा था और उसमें बंद गोभी है ना अच्छा हमारे यहाँ मोस्टली ना क्या कहते हैं जो पकौड़े बनते हैं ना मतलब रमज़ान में भी जो पकौड़े बनते हैं उसमें सिर्फ बंद गोभी एड होती है और पालक ऐड होती है बस ये हमारे रूटीन वाले पकौड़े होते हैं क्योंकि मतलब डेली बेसिस पे जो बनते वैसे हमारे यहाँ बनते नहीं है डेली बेसिस पे पहले दिन ही बनते पकोड़े तो उसी रिवायत को हमने क्या कहते हैं बरकरार, बरकरार रखते हुए हमने पहला रोज़ा रखा था रजब का तो एक होता है ना रमज़ान की वाईफ आनी आपको स्टार्ट हो जाती हैं जब ना रजब स्टार्ट होता है ना रजब का महीना क्योंकि नफली रोजे वगैरह आपके स्टार्ट हो जाते हैं आप वो तो मर्ज़ी आप पूरे महीने में भी रख सकते हैं और रोजे का क्या है आप पूरे साल भी रख सकते हैं रोज़े रोजेक तो क्या कहते हैं लेकिन एक एक रजब की ना एक अलग फजीलत है बुजुर्गी का महीना है तो उसमें मे जरूर रखने चाहिए रोजे वगैरह और जितना हो सकता है इबादत किया करें इसके क्योंकि इस महीने के जो खास महीने होते हैं ना इनका काफी सवाब होता है ना अच्छा खैर यहाँ पर जोया मुझे बनगोभी वगैरह कट करके दे रही है वहाँ पर मैं जल्दी- जल्दी से पकोड़े फ्राई कर रही थी हमारी यहाँ होता क्या है गैस का कुछ इस तरह का रूटीन है अगर शाम में आ भी जाती है ना गाइस तो वो कभी आती है कभी जाती है मतलब बार बार चूल्हा आपको जलाना पड़ता है मतलब एकदम से आंच तेज़ हो जाएगी फिर एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या फिर बिल्कुल छोटी छोटी सी बूंदें नहीं होती दम वाली आंच जो होती है वो रहती है इस तरह से होता है और ये एक से डेढ़ घंटे के लिए रहती है उसके बाद चली जाती है वो भी सिर्फ हफ्ते में दो या तीन दिन ऐसे होता है शाम में कभी आ जाती है गैस नहीं तो नहीं आती और जिस दिन ब्लैकआउट हुआ था ना पीर वाले दिन उस दिन चार पाँच बजे तक हम घर पर थे तो मतलब उसके बाद हम निकले थे घर से ना तो जब तक तो हमारे घर में गैस आ रही थी ये बड़ी अच्छी फुल आँच आ रही थी तो मैं अम्मी से कह रही थी सब लोगों ने ना वो क्या कहते हैं प्रेशर्स जो होते हैं ना वो लगाए हुए होंगे जब भी सब लोगों की है ना गैस नहीं आ रही होगी तो मम्मी ने कहा कि यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है मतलब जो दूसरे हैं वो भी महरूम हो रहे हैं सबके अगर थोड़ी थोड़ी सी गैस आ जाए तो कितना काम हो जाएगा ना सबका आसान हो जाएगा मतलब हल्की आँच पर आप खाना बना सकते हैं ना लेकिन यहाँ पर तो जाहिर सी बात है जब आपने किसी ने पम्प्स वगैरह लगाए हुए हैं जो कि हमें अंदाज़ा हुआ लगाए हुए होंगे हमारे एरिया में भी ना बहुत सारे लोगों ने क्योंकि पूरा ना प्रेशर पंप तो को नहीं मिलेगी ना, गैस एक जाएगी नाइंसाफी तो वाली बात है तो अगर आप लोगों ने लगाए हुए तो भाई निकाल दे प्रेशर पंप बाकी होता है ना कि दूसरों को भी नहीं मिल रही है ना अगर हर चीज आप ही एक ही बंदा यूज कर लेगा मतलब पूरी गैस अगर एक बंदे ने यूज कर ली और उसी को अगर डिवाइड यूज़ कर लिया जाए तो थोड़ा दूसरा इस्तेमाल कर लेगा और थोड़ी सी गैस तो जाएगी ना तो सोचिएगा तो ना तो अच्छा गर्म हो गया था तो जल्दी से पकौड़ों को डाल दिया था और डालने के फौरन बाद हमारी जो गैस थी ना वो हल्की हो गई थी बहुत हल्की हो गई इतनी एक घंटे में इतनी आँख मचोली खेली है ना इस गैस ने इतना गैस ने ना हमें गुस्सा आ रहा था मैंने कहा यार क्या बात है और मुझे ना थोड़ी सोच के ना थोड़ा खौफ सा आने लगा कि और ये भी हुआ कि अल्लाह करे यार ये गैस का मसला जल्दी सॉल्व हो जाए क्योंकि आगे क्योंकि दो महीने बाद तो रमज़ान स्टार्ट ही है ना और अल्लाह ना करे ये रमज़ान में ये प्रॉब्लम हुई तो क्या करेंगे हम लोग ना तो क्या कहते हैं सोच के ज़रा अजीब सा लगा और ना बड़ी ना आप कह लें स्ट्रगल करनी पड़ी इतनी सी चीज़ें बनाने के लिए ना और अच्छा अम्मी ने बना ली थी फ्रूट चाट जो कि काफ़ी मज़ेदार सी और बहुत ही जूसी वाली बनाई थी अम्मी ने फ्रूट चाट सारे जो भी फ्रूट्स वगैरह अवेले थे तो वो अम्मी ने सब कट कर लिए थे उसमें चीनी ऐड की थी उसमें काला नमक ऐड किया था सफेद जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो ऐड किया था थोड़ा सा चाट मसाला और लेमन जूस ऐड कर दिया था हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई थी और ये हैं हमारे पकड़े क्रिस्पी बे अनिहा क्रिस्पी हमारे पकौड़े बन के तैयार हुए थे तो फटाफट से ना फिर लगा दिया था दस्तरखान क्योंकि छह बज के पांच मिनट हो गए थे और फिर हमें ये था क्योंकि ना हमें इतना भी टाइम लगा ना तो सिर्फ गैस की वजह से लगा टाइम नहीं तो इतना कुछ बनाना नहीं था सिर्फ मुझे दही बड़ो के लिए बड़े फ्राई करने थे और पकोड़े फ्राई करने थे बाकी दो चीजें तो अम्मी और जोया ने बनाई थी और क्या कहते हैं बाकी वेजिटेबल्स वगैरह भी जोया ने मुझे कट करके दी थी लेकिन ना उसको सिर्फ फ्राई करने में ज्यादा टाइम लगा अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक ही बैच फ्राई हुआ था दूसरा बैच मैंने डाल दिया था तो अम्मी ने कहा क्योंकि अजानू की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी दूर दराज से तो अम्मी ने कहा भाई आके बैठ जाओ दस्तखान पे फिर बाद में तुम देख लेना क्योंकि वो इतनी हल्की आँच थी तो फिर हमने वो बाद में देख लिए थे तो ये था हमारा इफ्तार का दस्तखान माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लग रहा था और इसी तरह से आप लोगों का दस्तखान भी हरा भरा रहे हमेशा और ये था हमारा सहरी टू इफ्तार रूटीन व्लॉग जो कि रजब का सहरी टू इफ्तार रूटीन व्लॉग था आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा तो भाई हम इफ्तार करने लगे थे और उसके बाद ना हमारे ना पकौड़े जो फ्राई हो रहे थे जैसे ही वो हो गए थे अपिया ने पहले रोज़ा खोला था उसके बाद फिर अपिया वो पकौड़े निकाल के ले आई थी और ये देखें इतना कोई ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े बन के हुए थे ना क्या मजे आ रहे थे एक तो शाम वाला टाइम भी होता है जाहिर सर्दी वाला हाँ। टाइम था तो सर्दी के टाइम पे ना वो गरम गरम चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं तो खैर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया सारी चीजों को और सारी चीजें बहुत मजेदार बनी हुई थी बहुत मजेदार बनी हुई थी अच्छा चाट ना काफी ठंडी सी लग रही थी तो मैंने सिर्फ दो बाइट खाई थी उसके बाद मैंने ना अम्मी से कहा कि अम्मी इसको आप ना वापस बाउल में डाल दें क्योंकि मुझसे खाई नहीं जा रही बहुत ठंडी चाट हम लोगों से खाई नहीं गई थी क्योंकि वो ना ठंडे हो रहे थे फ्रूट्स तो ना वो बिल्कुल भी नहीं खाए

इमली इमली की जो चटनी होती है ना मीठी वाली तो वो तो बनी हुई नहीं थी तो ना हम लेकर आए थे कुछ टाइम पहले लेकर आए थे ये इमली जिंजर सॉस है ना हाँ इमली जिंजर सॉस है ये लेकर आए थे ये भी इमली की चटनी की तरह ही होता है और हम लोग ना सेल में खाते हैं आ, मीठे दही बड़े खाते हैं हमारे नमकीन वाले नहीं बनते दही बड़े तो ना हम लोग हमेशा इमली की चटनी वगैरह ऐड करते हैं मतलब तो कुछ मिठास ऐड करते हैं उसके बाद ही खाते हैं ना जरा आप कह लें हमारे जो आ, प्लेट होती है ना उसमें वो बाज़ार वाले सारे फ्लेवर्स होते हैं ना बाज़ार में नी खट्टी मीठी स्पाइसी टाइप की आपकी चाट बन के तैयार होती है मतलब प्लेट बन के तैयार होती है कुछ इसी टाइप की बनती है और ये पापड़ी काफ़ी महीनों पुरानी पापड़ी है जो के लाके रखी हुई थी तो खैर आज इस्तेमाल हो गई hmm. और क्या कहते हैं ये ये मेरे सी से दादी दादी जान की ये दादी जान hmm. की तो 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 अच्छी बात है इसको इस पे यूज कर लिया सही टाइम पे सही चीजें यूज हुई मतलब जैसे ना अम्मी अपिया ये लोग ना एक दिन पहले ये लेकर आए टोस्टर वगैरह और हमारा इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जितनी ये चीजें लेकर आई हमें टाइम मिल गया था क्योंकि हमारे सारे काम हुए हुए थे और हमने कहा चलो यार क्योंकि सारे फोन डेड थे और जितनी इमरजेंसी लाइट्स वगैरह थी वो सारी डेड हुई हुई थी तो कुछ हमारे पास था नहीं क्या करेंगे घर में बैठ के ना अम्मी ने कहा भाई मुझे उधर जाना था एक काम करो वहाँ चलते ना सदर तो फिर हम लोग निकल गए थे सदर ना और इतना अच्छा हुआ कि हम वो लेकर आ गए दूसरे दिन हमने वही सब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए अपनी सैरी बनाई थी सैरी बनाई थी बहुत खुशी हुई कि ना जो चीज़ें लेकर आए वो सारी की सारी चारों चीज़ें हमने इस्तेमाल कर दी थी अच्छा खैर हमारी इफ्तार हो गई थी फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले जो होता है काम वो होता है चाय पीने का क्योंकि चाय तो भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना ये इन लोगों को आदत है ना चाय पीने की तो अवतार के बाद सबसे चीज चाय ही चाहिए होती है और मेरी आदत है अफतार करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ चाय चढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद जाके नमाज पढ़ती हूँ जैसी नमाज से फारिग होती हूँ चाय जब तक रेडी हो चुकी होती है और बस उसको निकाल लेती हूँ ये हाँ शुरू से आदत है मतलब रमज़ान में भी यही वाली हमारी रूटीन रहती है कि इसी तरीके से हम चाय चढ़ा देते हैं और फिर बना के पी लेते हैं जल्दी से ना अच्छा ये आप जो देख रहे हैं ये है रात की क्लिप और रात के कुछ दस बजे का टाइम है और अम्मी ये लोग खाना खा चुके थे तो अम्मी अम्मी कहने लगी कि भाई तुम लोग थोड़ा सा भले खा लो खा लो फिर ना मुश्किल होती है तुम लोगों को तो मतलब मम्मी का ये होता है दो चार निवाले खा लो हाँ। लेकिन खा लो ना तो फिर जोया ले आई थी थोड़े से चावल निकाल के और हम दोनों खा रहे थे इसके अंदर ये है नौ सब्जी जो कि अम्मी ने एक दिन पहले बनाई थी और इसलिए अम्मी ने चावल बना लिए थे क्योंकि चावलों के साथ ही काफ़ी मज़ेदार लगती है बहुत मज़ेदार और नौ रतन सब्जी किस किस का पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा पता है इतना मेरा दिल था मैं इसको रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ लेकिन लाइट भी नहीं थी और मेरा फ़ोन हुआ हुआ था डैड तो जिसकी वजह से इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी और ये सब सर्द सब्ज़ी ना सर्दी में एक ही बार बनती है ऐसा होता हाँ, है ऐसा होता है <laughs> लेकिन खैर दोबारा बनेगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे तो खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड ना आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़